शर्त के अनुसार महाराज आप भीतर जाइए और शेर की मूछ का बाल उखाड़ कर लाइए। पंडित रामकृष्ण जी, वैसे इनका कथन भी उचित है महाराज, शर्त के अनुसार तो आपको ही जाना पड़ेगा, आप भीतर जाइए। अरे क्या उचित है, उचित है पंडित रामकृष्ण जी, क्या लगा रखा है ये उचित है? हम विजयनगर के महाराज हैं, हमारे प्राण बहुमूल्य हैं, हम नहीं अंदर जाएंगे। पंडित रामकृष्ण जी बोल रहे हैं आपसे। ये कायर गुफा के भीतर क्या जाएगा, किंतु यदि किसी प्रकार से चला जाए तो हमारे मार्ग का कांटा स्वयं ही निकल जाएगा, फिर हमें विजयनगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त के अनुसार उसके बाल तो उखाड़ने आप ही को जाना पड़ेगा, शेर कुछ नहीं करेगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, मेरी बात हो चुकी है शेर से। रानी जी मुझे सौगंध है, यदि महाराज को कुछ भी हो गया तो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं भी आपके संग भीतर चलता हूँ। आई अरे आप अंदर जाएंगे हमारे साथ, मतलब हमें शेर खा जाएगा। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, बाप रे इतना अंधेरा इस गुफा में, भीत ना हो उस पर विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। आइए। ये 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 पंडित रामकृष्ण ने क्या कर दिया? अरे महाराज के प्राण संकट में डाल दिए, अरे महाराज ने शेर को खा लिया, अब 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 शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया तो। अरे कोई तो भीतर जाओ और महाराज के प्राणों की रक्षा करो। नहीं 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 अरे नहीं 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 महाराज का अकेले बाहर आ गए। अरे महारानी जी ये छोड़िए और ये सुनिए, मुझे तो लगा था कि छोटा सा मामूली सा शेर होगा, किंतु वो तो दो लाठी लंबा और दो लाठी ऊंचा शेर था। उसकी दहाड़ सुनकर ही मैं उल्टे पांव भाग कर आया हूँ। महाराज को अंदर छोड़ा है। हाँ बस अब वो शेर महाराज को अपना निवाला बना लेगा। महाराज महाराज आप सकुशल वापस आ गए। ईश्वर की असीम अनुकंपा है महारानी, आप बिल्कुल चिंतित मत हो, देखिए हमें कुछ हुआ, हम बिल्कुल सही सलामत हैं, एक खरोंच भी नहीं आई हमको। जब हम गुफा के अंदर गए तो हमने देखा कि शेर बहुत क्रोधित है, हमने कहा भाई तुम इतने क्रोधित क्यों, हमारी बात मान जाओ, हमने उसके गले में हाथ डाला, यूं मारा, ये घुसा, ये लात, ये धोबी पछाड़ करके हमने शेर को पटा, ऐसे करके पटक दिया, धुआं ही धुआं, फिर हमने उसकी मूंछ का बाल करके दिखाया। देखा? अच्छा तो दिखाइए शेर की मूंछ का बाल कहाँ है। मूंछ का बाल कहाँ है बताते हैं, जैसे हमने शेर की मूंछ का बाल निकाला उसने हमारा हाथ अपने जबड़े से जकड़ लिया और अपनी मूंछ का बाल तो अपने ही पास रख लिया। महाराज आपका हाथ तो आपके पास है, है? हाँ ये पंडित रामकृष्ण जी क्या कह रहा है शेर अब? हाँ महाराज, वो कह रहा है कि वो अत्यंत ही प्रसन्न है कि विजयनगर राज्य में आप जैसे राजा का राज है, जो इतने निर्भीक है, इतने साहसी हैं कि इस शेर की गुफा में जाकर स्वयं शेर की मूछ का बाल उखाड़ा और शर्त की पूर्ति की, किंतु अब वो अपनी मूछ का बाल उस मनुष्य को देना चाहता है जिसने ऐसी गौरवपूर्ण और महान शर्त रखी, अर्थात आपको। आप सभी गणमान्य मनुष्यों ने देखा ना कि कैसे महाराज ने स्वयं जाकर शेर की मूछ का बाल उखाड़ा और इनके शर्त को पूर्ण किया, किंतु अब आपको भीतर जाना है और उस शेर की मूछ का बाल उखाड़ कर अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, तो जाइए। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या कहा शेर? वो उन्होंने इसकी बातें सुन ली हैं, वो कह रहे हैं कि यदि ये स्वयं भीतर जाकर मूछ का बाल नहीं उखाड़ेंगे तो वो बाहर आकर आपको खा जाएंगे। अरे आप जाइए। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जाइए जाइए। जी जाइए जाइए, कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अरे
हैं, कहाँ भाग रहे हैं? भीतर जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मैंने आपको कहा ना, शेर का निमंत्रण भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है, और यदि आप भीतर नहीं गए तो वो बाहर आकर हम सबको खा जाएगा। जाइए, हम आपको आदेश दे रहे हैं, भीतर जाइए। हमने आपकी शर्त पूर्ण करने हेतु गुफा के अंदर जाकर शेर की मूंछ का बाल खींचा, और आप गुफा में अंदर जाने से कतरा रहे हैं। जाइए अंदर। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे शेर की मूंछ का बाल नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राणों का दान चाहिए। प्राण तो तुम्हारे जाएंगे ही, या तो वो शेर तुम्हारे प्राण देगा या हम। सावधान, शेर बाहर आ रहा है। महाराज, हमारे पूजन का समय हो गया, हम अनुमति चाहते हैं, चलते हैं। अरे आप कहाँ भाग रहे हैं गुरुवर, शेर से भेंट तो कर लीजिए, कहाँ जा रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, पूजा का समय हो रहा है, पूजा का समय निकल गया तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे, आप रुकिए। अरे गुरुवर, शिव जी क्रोधित होंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन शेर तो अभी क्रोधित है, उसका क्या करें? रुकिए यहाँ पर, रात्रि अभी शेष है, पर्याप्त समय मिलेगा आपको पूजा करने का, यहीं पर रुकिए, आदेश है हमारा ये। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये तो समझ में आ गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपने किसी युक्ति का प्रयोग किया है, अब वो युक्ति क्या है कृपया ये सबको बताइए। अवश्य महामात्य, किंतु पहले अपने शेर को तो बाहर बुला लूं। गुंडप्पा, ये है वो शेर। जब हम गुफा में घुसे और हमने वहां पे गुंडप्पा को देखा, हम तो तभी समझ गए कि ये सारे का सारा खेल पंडित रामकृष्ण जी की बुद्धिमता का है। महामात्य, गुंडप्पा भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की बोली निकालने में पारंगत है, इसलिए मैंने शेर की दहाड़ निकालने के लिए इसे ही चुना। उत्तम, अति उत्तम। किंतु पंडित रामकृष्ण जी, आपके इस खेल ने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए थे। हमारे भी नहीं, हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमें तो पहले से ज्ञात था भीतर शेर नहीं है। पंडित रामकृष्ण जी, आपने आज पुनः सिद्ध कर दिया कि समस्त विजयनगर में आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है ही नहीं। हमें गर्व है कि आप हमारे मुख्य सलाहकार हैं, हम आपका राजकीय सम्मान करेंगे। महाराज, मुझे सम्मान की कोई आकांक्षा नहीं है, आपसे केवल एक वचन चाहिए। वचन हमसे? बताइए क्या है। आप ये वचन दीजिए कि आज के पश्चात आप पुनः ऐसा कोई आयोजन नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज कोई भी मनुष्य सब लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, ये प्रयत्न सदैव कर सकता है कि वो उनकी सहायता करे और यथासंभव दान पुण्य करे, किंतु विनम्रता के साथ। उचित कहा आपने, सच कहे पंडित रामकृष्ण जी, हम आम में भटक गए थे, दान पुण्य की परिभाषा समझने में हमसे गलती हो गई, किंतु आपने हमारी आंखें खोल दी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद हम आपके हर कथन को, आपके हर सुझाव को गंभीरता से लेंगे। चलिए अब यहां से प्रस्थान करते हैं। आइए महाराज। आइए महारानी। काल के पाश से आज तो बच गए महाराज, किंतु पुनः नहीं बच पाओगे। कह काला मृत्यु बनकर तुम पर मंडराएगा और तुम्हें मरना ही होगा।
कि क्या कर दिया आपने? मृत्यु के घाट उतार दिया विजय नगर के महाराज को, क्योंकि अब हम बनेंगे विजय नगर के महाराज। आपने महाराज को मृत्यु के घाट नहीं उतारा, अपितु आपने अपने स्वप्न को मृत्यु के घाट उतार दिया है। विजयनगर की प्रजा महाराज के हत्यारे को कभी राजा नहीं बनाएगी। अब आप कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। राजा बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई। महामात्य, आपने स्वप्न देखा कि आप राजा बन गए। कहीं ऐसा ना हो जाए महामात्य कि आप केवल स्वप्न में ही विजयनगर के महाराज बन के रह जाए। अपनी जीवा से कहो कि नियंत्रण में रहे, अन्यथा यदि कहीं हमारे क्रोध ने अपना नियंत्रण खो दिया तो जब हम राजा बनेंगे उसको देखने के लिए जीवित नहीं बचोगी। समझे कि नहीं समझे? हम तो समझ गए महामात्य, किंतु आप नहीं समझ पा रहे। वजीर तो कई घर चल सकते, किंतु इस वजीर ने केवल एक ही घर क्यों चला? अर्थात अर्थात ये कि आप मांगने के लिए महाराज से कुछ भी मांग सकते थे, किंतु आपने केवल मित्रता मांगी। क्यों? ज्यादा एक बारी में मात्र एक घर चलने की क्षमता ही रखता है, इससे अधिक ना वो चल सकता है और ना सोच सकता है, इसीलिए वो प्यादा कहलाता है। किंतु वजीर, वजीर के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इससे राजा अनभिज्ञ रहता है। उसे ये भी ज्ञात नहीं होता कि उसका अपना वजीर सामने वाले राजा को नहीं अपितु उसे ही मारने वाला है, वो भी 11 दिवस के भीतर। क्या? महाराज की मृत्यु, वो भी 11 दिवस के भीतर? आपने इतनी बड़ी योजना बना दी और आपने हमें बताया तक नहीं। वजीर कब कौन सी चाल कैसे चलेगा उसे प्यादे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मत भूलो कि आज तुम जो भी कुछ हो हमारे कारण हो। एक साधारण सी स्त्री से हमने तुम्हें विजयनगर की महारानी बना दिया। कोई उपकार नहीं किया है, जो कुछ भी किया है अपने हित के लिए किया है। और एक बात स्मरण रहे, इस समय आप विजयनगर के महामात्य हैं और हम विजयनगर की महारानी। यदि हम चाहे तो इसी समय विजयनगर की महारानी के साथ अशिष्टता करने के दोष में मृत्यु दंड दिलवा सकते हैं। क्षमा कर दीजिए महामात्य, आवेश में आकर न जाने हमने आपसे क्या क्या कह दिया। नहीं नहीं, क्षमा तो हमें मांगना चाहिए। हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर हम भी क्या करें। जब से गुरुदेव ने हमसे कहा है कि यदि 11 दिवस के भीतर हम विजयनगर के राजा नहीं बने तो जीवन में फिर कभी नहीं बन पाएंगे, तब से हमारे मस्तिष्क पर हमारा वश ही नहीं रहा है। जिसके हाथ हम पर हमला करने के लिए खंजर तक चले गए, वो कभी भी उस खंजर को हमारी पीठ में घोंप सकती है। इस कांटे को उखाड़ फेंकना होगा। कांटा बनकर चुभ रहे होंगे हम इसके नेत्रों में। ये अपने मार्ग के हर कांटे को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता है। अवश्य ये महाराज के साथ साथ हमारे प्राण भी लेने की सोच रहा होगा। समय आ गया है कि हम अपना सबसे बड़ा दांव खेलें। मामात्य,
जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बहुत रात्रि हो चुकी है, हम प्रस्थान करते हैं। यूं ही कुचल देंगे हम हर उस प्यादे को जो राजा बनने के हमारे रास्ते में आने का प्रयत्न करेगा। ये कहकाला तो महाराज से कुछ भी मांग सकता था, फिर उसने मित्रता क्यों मांगी? इसकी योजना है क्या? उस पर दृष्टि रख के सब पता लगाना होगा। वो तेरी, ये तो वही आवरण वाली स्त्री है। ये तो पुनः महल की ओर जा रही है। वो रही, अभी पकड़ता हूं। कर लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम बच के नहीं जा सकती। अरे अरे, ये कैसा दुस्साहस है भास्कर? तुम तो वो आवरण वाली स्त्री नहीं हो। ये किस स्त्री की बात कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अरे पिताश्री की सुरक्षा जांच करने आया था। क्यों? पिताश्री की सुरक्षा जांच है तो क्यों? वो तो महाराज नहीं है। हाँ, किंतु क्या हुआ, वो महामात्य तो है। ए, हमारे राज्य के अति विशिष्ट व्यक्ति हैं वो, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैं बस वही जांच करने आया था, फिर मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा पता नहीं कौन है, बस मैंने आकर पकड़ लिया। अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात्रि गए यहाँ क्या कर रही हो? हम चंद्रमा की पूजा कर रहे थे। आज पूर्णिमा है ना, तो आज रात्रि कोई भी कुंवारी कन्या चंद्रमा की पूजा कर ले ना, तो उसे उसका मन चाहा वर मिल जाता है। ये तो उसके लिए चंद्रमा को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तो ये अध्यादेश लागू हो ही गया है ना कि हर कन्या को अपने मन चाहे वर से विवाह करने का अधिकार है। हाँ, किंतु हमारा विवाह उस युवक से होना चाहिए ना जिससे हमें प्रेम है। पुत्री, प्रेम है? किससे प्रेम है? उससे तुम्हें क्या, एक तो तुम्हारे पिताश्री के कारण ये इच्छा पूर्ति समारोह शीघ्र ही समाप्त हो गया, अन्यथा हम महाराज से कहकर उस युवक को मांग लेते जिससे हमें प्रेम है। किंतु ये अध्यादेश दोनों के लिए लागू हुआ है ना, एक युवक को भी अधिकार है कि वो अपनी मनचाही जीवन संगिनी को चुने। तुम ये बताओ, तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो युवक भी तुमसे प्रेम करता है? वो तो तुम्हें ज्ञात होगा। हैं? जी क्यों? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें क्यों हुआ? अच्छा, वाह, क्या बात कही है। भास्कर, परिहास मत करो, बोलो और ध्यान से सुनो हमारी बात। हाँ। तुम्हें युवक हो ना, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि एक युवक का हृदय कैसे जीता जाता है। तुम हमें बताओ ना। अत्यंत आसान है। देखो, किसी भी युवक के हृदय तक जाने का मार्ग उसके पेट से होकर गुजरता है। बस तुम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाओ और उस युवक को खिलाओ, उसका हृदय तुम अवश्य जीत लोगी। अच्छा, अब आज का प्रेम ज्ञान बहुत हुआ, मैं चलता हूँ, पिछले भाग की सुरक्षा भी जांच करनी है। हा? मैं चला। देखा आपने, अब इसे कौन समझे कि यही मेरे हृदय का चांद है और इसके लिए ही हम चंद्रमा की पूजा कर रहे थे। बुद्धू कहेगा। रात्रि के इस प्रहर कहाँ जा रहा है? आज तो पता लगा के रहूंगा कि ये कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है।
अपनी काली माँ रक्षा करो, अन्यथा आज ये कहकाला मेरे प्राण लेकर ही मानेगा। अब ये कहाँ विलुप्त हो गया? हिंसा से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ, हिंसा मात्र हानि ही पहुंचा सकती है, लाभ नहीं। अतः हमें हिंसा छोड़कर प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। इतने वर्ष बीत गए, आपने हम सबको सदैव ही सदाचार के मार्ग पर चलाया और हमारी समस्याओं को हल किया है, किंतु आज एक और समस्या आ खड़ी हुई है जिसका हल आपको ही करना है। कहो क्या हुआ? मेरे पुत्र को चोरी की लत लग गई है। वो दूसरों की वस्तुओं को चुराता है, कितना समझाया किंतु उस पे समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। कृपया आप कोई सुझाव दें कि कैसे उसकी चोरी की लत को मैं छुड़ाऊं। तुम्हारे पुत्र को सर्वाधिक प्रिय क्या है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता हो? वो तो उसकी माँ है जिससे वो सर्वाधिक प्रेम करता है। कुछ दिवस के लिए अपनी पत्नी को मायके भेज दो, किंतु इस बात की सूचना किसी और को नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा? जब तुम्हारा पुत्र अपनी माता को घर में नहीं पाएगा तो स्वाभाविक तुमसे प्रश्न करेगा कि उसकी माँ कहाँ है, और तब तुम उससे कहना कि उसकी माँ को किसी ने चुरा लिया है। क्या? हाँ, सर्वाधिक प्रिय माँ के चोरी होने से उसे अत्यंत दुख होगा। तभी उसे यह बात समझ में आएगी कि जब वह दूसरे बच्चों की प्रिय वस्तुएं चोरी करता है तो उन्हें कितना दुख होता होगा। इस बात को समझने के बाद तुम्हारा पुत्र कभी चोरी नहीं करेगा। आप धन्य हैं, आपने कितना सरल मार्ग सुझाया है। आप भगवान तुल्य हैं, किंतु एक बात समझ नहीं आई कि आप जैसे सदाचारी पुरुष को महामात्य जी ने आज तक बंदी बनाकर क्यों रखा है, और आपको कभी क्रोधित होते हुए भी नहीं देखा। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और वो स्वयं की हानि करता है। जिस भांति महामात्य कैकाला जी अपना ही विनाश कर रहे हैं, वो हमसे क्रोधित है क्योंकि हम सत्य मार्ग पर अग्रसर हैं। हम आप जैसे आम मनुष्यों का साथ देते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं। अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि संसार में प्रेम से ही सब कुछ संभव है। क्या हो रहा है ये सब? किसकी प्रशंसा हो रही है? इस धूर्त की? इस बंदी की? नहीं नहीं महामाती जी, आपको इनके विषय में कोई भ्रांति हुई है। ये दुष्ट नहीं अपितु सदाचारी हैं। जी महामाती जी, ये बहुत उदार दयालु और ज्ञानी पुरुष हैं। चुप! इससे पहले कि हमारी तलवार तुम्हारी इस जिह्वा को काट दे जो इस धूर्त की प्रशंसा कर रही है, चले जाओ यहाँ से। भी अपने जाल में फंसा लिया। क्यों कर रहे हो ये ढोंग, ये स्वांग इन मूर्खों के समक्ष? आखिर क्यों आपके मन में हमारे प्रति इतना द्वेष है, जबकि हमारे हृदय में आपके लिए प्रेम ही प्रेम है। हम विवश हैं, हमारा तो जन्म ही प्रेम करने के लिए हुआ है। ना
ना ना ना ना, बस बंद करो, बंद करो अपने खड़ियाली आंसू बहाना, क्योंकि तुम और तुम्हारा सत्य हमसे छिपा नहीं है। छिपा है तभी तो आप हमें समझते नहीं, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपको ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आप हमारे बारे में जो समझते हैं हम वैसे नहीं हैं। बस एक बार हमें मुक्त करके देखिए, हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम आपके जीवन में अभिशाप नहीं, अभी तो वरदान है। हमें मुक्त कर दीजिए। हम पर विश्वास करके देखिए, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। क्या कर रहे? एड़िया खोली नहीं और कसमी है हमने, क्योंकि हम एक सर्प पर विश्वास कर लेंगे किंतु तुम पर नहीं, क्योंकि तुम एक विषैले सर्प से भी अधिक विषैले सर्प हो। और हम जानते हैं कि यदि हमने तुम्हें मुक्त कर दिया तो सबसे पहले तुम हमें ही जसोगे, हमें ही जसोगे। किंतु आप विश्वास करेंगे नहीं तो? करेंगे, अवश्य विश्वास करेंगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हें हमें विश्वास दिलाना होगा कि तुम हमारे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, अन्यथा तुम्हें यही बंदी बनकर रहना होगा। समझे कि नहीं समझे? राजगुरु, अब आप ही मुझे दंड से बचा सकते हैं। चुप! एक तो मिलावट करते हो, ऊपर से दंड भी नहीं भोगना चाहते। बहुत चतुर समझते हो स्वयं को। धनी मनी। जी गुरुजी। बताओ इसे, विजयनगर में मिलावट करने का दंड क्या होता है? 10 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा तुम्हें, और प्रतिदिन 10-10 कोड़े, हो सकता है अधिक भी पड़े। राजगुरु मेरी रक्षा कीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। प्रलोभन दे रहे हो? राजगुरु तथाचार्य को प्रलोभन दे रहे हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? हमें कुछ नहीं चाहिए। जो गणेश सुनार है ना, उसकी दुकान पर एक चढ़ाऊ हार है। वो हार आपका हुआ समझिए। तो हमने भी तुम्हें दंड से बचा लिया, समझिए। अब हम जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ, है? ध्यान से सुनो। समझ गए? चिंता मत करो, दरबार में हम तुम्हारा पूर्ण सहयोग करेंगे। राजगुरु बस यूं समझिए, इधर मैं निर्दोष सिद्ध हुआ, उधर वो हार आपके पास पहुंचा। ऐसी बातें धीरे बोली जाती हैं, है? अब जाओ, तुम भीतर जाओ, जाओ। वाह गुरुजी वाह, मान गया आपके बुद्धि बल को, रंग लगी ना फिट करी और रंग भी हो गया चौखा का चौखा। आपने तो एक ढेला भी खर्च नहीं किया और वो बहुमूल्य हार आपका हो गया। गुरुजी आप वो हार मंदाकिनी देवी को देंगे ना? देंगे ना गुरुजी? सुनवा गए गुरुजी, देंगे ना? हम वो हार मंदाकिनी को दें या स्वयं धारण करें? तुम दोनों के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? अपने काम से काम रखो, समझे? चलो दरबार चलो, मूर्ख कहीं के। अरे वाह स्वामी, ये तो बड़ी अद्भुत वस्तु है, क्या है ये? पंडित रामकृष्ण जी, इसे 4 पहिए वाली पट्टी कहते, बहुत बुद्धि से बना है।
अरे वाह, दिखा मुझे, मैं भी चला कर देखूं। हाँ। क्या मूर्खता है ये? क्षमा करें महामात्य, वो मैं स्वामी द्वारा निर्मित इस चार पहिया पट्टी को चलाने का प्रयत्न कर रहा था। क्षमा करें स्वामी, खेलो और जाकर खेलो। हाँ। क्या बात है महामात्य, आप क्रोधित होने के स्थान पर हंस रहे हैं। हाँ पंडित रामकृष्णा, अब कब तक और कितनी बार आप पर क्रोधित होते रहेंगे? कुछ ही दिनों का साथ है हमारा और आपका, क्रोध करने से क्या लाभ? कुछ दिवस का? आप ये बताइए कि आप महाराज के कक्ष की ओर से कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं का तात्पर्य, अरे महाराज परम मित्र हैं हमारे, क्या एक मित्र दूसरे मित्र से भेंट करने नहीं जा सकता? अमात्य, भेंट और षड्यंत्र में अंतर होता है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य, चलिए आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक सर्प था, अत्यंत ही विषैला, और एक मेंढक था, अति सहृदय। एक बार उस सर्प ने मेंढक से कहा कि तुम मुझे अपना मित्र बना लो। अब मेंढक बेचारा भोला था, उसकी बातों में आ गया और उसने सर्प को अपना मित्र बना लिया। और एक दिन सर्प ने मेंढक का विश्वास जीतकर उस मेंढक को डस लिया। अति उत्तम पंडित रामकृष्णा, अब हम भी तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। एक सर्प था, एक मेंढक था और एक नेवला भी था। नेवला मेंढक का मित्र था। सर्प जितनी बार भी मेंढक को डसने का प्रयत्न करता, नेवला उसका वार विफल कर देता, उसे बचा लेता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सर्प मेंढक को डसने से पहले नेवले को अपनी योजना बता दिया करता था और नेवला सर्प का वार विफल कर देता, किंतु इस बार सर्प ने मेंढक को डस ही लिया, क्योंकि इस बार सर्प ने नेवले को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस बार ये सर्प भी नेवले को कुछ नहीं बताएगा। सर्प इस बार मेंढक को डस नहीं पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि नेवले को ज्ञात है कि सर्प ने मेंढक से मित्रता की है और इसलिए नेवला और अधिक सतर्क हो गया है। फिर भी यदि सर्प मेंढक को डसने का प्रयत्न करता है तो नेवला इस बार सर्प को छोड़ेगा नहीं। अपनी मर्यादा में रहो, मत भूलो किससे वार्तालाप कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेंढक को डसने से पहले सर्प नेवले को ही निगल ले। शास्त्रों में कहा गया है महामात्य कि बड़ा निवाला खा लो किंतु बड़े बोल मत बोलो। तुम मुझे क्या निगलोगे? अब तक अनगिनत बार मेरे हाथों मुंह की खा चुके हो तुम। प्रत्येक बार मैंने तुम्हें पराजित किया है और ध्वस्त किया है तुम्हारे षड्यंत्रों को, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अंतिम वार है, हमारा सबसे भयानक वार। 10 दिवस के भीतर हम बनेंगे विजयनगर के राजा, और हमें राजा बनने से तुम तो क्या, तुम जैसे 10 पंडित रामकृष्ण भी नहीं रोक सकते। बस 10 दिन तक चैन की बांसुरी बजाओ,
ग्यारहवें दिन तुम्हारे और तुम्हारे महाराज के प्राण हम स्वयं लेंगे। समझे कि नहीं समझे? दस दिवस के भीतर ये विजयनगर का राजा कैसे बनेगा? कौन सी चाल चलने वाला है ये इस बार? अवश्य ही कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेगा ये इस बार, किंतु जब तक मेरे सर पर बापू का आशीर्वाद है, मैं ना तो महाराज को कुछ होने दूंगा और ना ही विजयनगर को। पंडित रामाकृष्णा जी, आपको दरबार में शीघ्र उपस्थित होने को कहा गया है। एक विचित्र मामला दरबार में आया है। चलिए। महाराज, छोटे छोटे बालक इस बकरी का दूध पीते हैं, किंतु यह चीनू उस दूध में जल की मिलावट करता है। जल की मिलावट दूध में? हाँ, इतने वर्षों से ये हम सबको मूर्ख बनाता है। हाँ महाराज, इसने हमें लूटा है। हाँ महाराज, मिलावट के दूध बेच बेच कर इसने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया है, और तो और धन के लोभ में मिलावट की इसकी वृद्धि होती जा रही है। महाराज, पहले यह चीनू दूध में जल की मिलावट कम करता था, किंतु अब आधे से अधिक मात्रा में जल ही होता है। पाप, घोर पाप है ये। इसको अभी के अभी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, आदेश है हमारा। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं महाराज? क्षमा महाराज, क्षमा। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका न्याय सर्वोपरि है, किंतु महाराज विजयनगर की न्याय और दंड प्रणाली ये कहती है कि दोषारोपण जिस पर हो रहा हो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। किंतु महाराज, जब ये सिद्ध हो चुका है कि इस मनुष्य ने जो दूध इन लोगों को बेचा उसमें जल मिश्रित था, तो पक्ष रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। बिल्कुल, वाह 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 पंडित रामाकृष्णा, वाह। मध्य में कूदे बिना तो इन्हें चैन नहीं मिलता है। देखिए पंडित रामाकृष्णा, जब आप किसी मामले को सुलझाते हैं तो पूरी प्रकार से उस मामले में कूद जाते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना। अब जिस व्यक्ति पर दोषारोपण लग रहा है तो उसे उसका पक्ष रखने नहीं देना चाह रहे, ये अन्याय है पंडित रामाकृष्णा, घोर अन्याय है ये। आपके दरबार में अन्याय कैसे संभव? प्रजा क्या कहेगी? तथाचार्य जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज, हमें लगता है कि बकरी के स्वामी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, ये सत्य है कि मेरी बकरी जो दूध देती है उसमें जल मिला हुआ है, लेकिन ये जल मैंने नहीं मिलाया महाराज, अपितु बकरी ने अधिक जल पी लिया था, इसलिए दूध में जल की मात्रा स्वतः ही वृद्धि हो गई। ये क्या मूर्खता चल रही है दरबार में? कोई बात नहीं, 10 दिवस के भीतर मैं बनूंगा यहाँ का राजा, और उसके बाद कोई मूर्खता नहीं होगी मेरे दरबार में। महाराज, इस मामले में और समय व्यर्थ ना करते हुए इसे दंड दीजिए और अगले मामले की सुनवाई प्रारंभ कीजिए। बिल्कुल। महामात्य, महामात्य, इसे अपना पक्ष तो रखने दीजिए। आप तो विजयनगर के न्याय के रक्षक हैं, आप पंडित रामाकृष्णा की भांति व्यवहार क्यों करने लगे? चलिए, आप स्वयं पूछ लीजिए, स्वयं इससे पूछ लीजिए, ये कैसे कह रहा है कि इसकी बकरी ने अधिक जल पिया? क्योंकि महाराज, मेरी बकरी ने मुझे स्वयं ही बताया था। बकरी ने स्वयं बताई। चुप रहो।
यहास परिहास का विषय नहीं है। करके हंस रहे हैं, साक्षी हैं, हमने स्वयं स्वयं देखा है। ये चीनू की बकरी बोलती है। आपने बकरी को बोलते हुए सुना था? बकरी बोलती है? गुरुवर ये संभव नहीं है। आपके कहने का अर्थ है ये संभव नहीं है? आप चुनौती दे रहे हैं? चीनू महोदय, पंडित रामाकृष्णा चुनौती दे रहे हैं। अब आप ये सिद्ध कीजिए कि आपकी बकरी बोलती है, ये सिद्ध कीजिए कि बकरी का दोष है, और वो दोष बकरी को स्वयं बोलकर स्वीकारना होगा। हाँ, यदि आपकी बकरी ने बोल दिया तो महाराज क्षमा कर देंगे आपको, दंड नहीं देंगे आपको। अवश्य अवश्य हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, किंतु पहले अपनी बकरी को बुलवा के दिखाओ। बुलवाओ अपनी बकरी को। जी महाराज, बोल मेरी बकरी बोल, सारे भेद खोल। अवश्य हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, किंतु पहले अपनी बकरी को बुलवा के दिखाओ। बुलवाओ अपनी बकरी को। जी महाराज, बोल मेरी बकरी बोल। सारे भेद खोल, दूध कौन देता है? बोली। दूध में जल कौन मिलाता है? देखा महाराज, देखा, बकरी बोलने लगी। महाराज ये तो बकरी बोलती है। महाराज गुरुवर का कथन उचित है। बकरी ने हम सबके समक्ष स्वीकार किया है कि दूध में जल की मिलावट यही करती है, अतः चीनू निर्दोष है। जब जब ये पाला बदलते हैं खेल ही बदल जाता है। अब पता नहीं क्या खेल खेलने वाले हैं। तो ये सिद्ध होता है कि चीनू का कोई दोष नहीं है और बकरी ये स्वयं स्वीकार करेगी। अभी बताता हूँ। ऐ चीनू की बकरी, बता दोषी कौन? देखा महाराज, देखा आप सबने, इस बकरी ने स्वयं ये स्वीकार किया, किंतु ऐसा कहके इसने इस मामले को सुलझाया नहीं, अभी तो और उलझा दिया है। अरे बस कीजिए आप सब। महाराज इस मामले को यहीं स्थगित कीजिए और अगले मामले की सुनवाई प्रारंभ कीजिए। आप तो विजयनगर की न्याय प्रणाली से भली भांति अवगत हैं। आपको तो ज्ञात ही है कि राज दरबार में आया हुआ कोई भी मामला बिना निर्णय लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कैसा भी मामला क्यों ना हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना महामात्य? पंडित रामकृष्ण जी, कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। जी महाराज। ऐ चीनू की बकरी, बता चीनू को धन अर्जित करके देने वाला कौन? चीनू ने जो संपत्ति बनाई है उसके लिए जो धन एकत्रित किया है उसके पीछे कौन? तो इस प्रकार से इस संपूर्ण संपत्ति का असली मालिक कौन? ये देखा महाराज, हाँ, इस चीनू के पास जो धन है, जो संपत्ति इसने एकत्रित की है, उसकी असली मालकिन ये बकरी है, क्योंकि इस बकरी ने ही इस चीनू को सारा धन अर्जित करके दिया है। ये बात इस बकरी ने आप सबके समक्ष स्वयं स्वीकार की, अतः ये सिद्ध होता है कि इस बकरी ने जो धन अर्जित करके चीनू को दिया है, जिस पर वो अपना अधिकार जमा रहा है, वो अनैतिकता से अर्जित किया गया है, और इसलिए वो सारा धन सारी संपत्ति निर्धनों में बंटवा देनी चाहिए और चीनू को कारावास में डालकर इस बकरी को दोष मुक्त कर देना चाहिए। महाराज ये
क्या कर रहे हो पंडित रामकृष्णा? अगर बकरी ने कह दिया मां तो आपका चीनू की धन संपत्ति सब छीन लेंगे। ना 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 ना, ना गुरुवर, बकरी ने केवल मैं नहीं किया, बकरी ने बोला। और बकरी की इसी बोली से कुछ समय पूर्व आप चीनू को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु बकरी ने स्वयं सबके समक्ष बोलकर यह सिद्ध कर दिया है कि सारा धन सारी संपत्ति की असली मालकिन ये बकरी है, और इसलिए सारी संपत्ति निर्धनों और अनाथों में अवश्य बटेगी। तो जब ये बकरी के दोष में दोषी नहीं है महाराज, तो बकरी द्वारा अर्जित किए गए धन में इसका साथ कैसे दे सकते हैं? उत्तम, अति उत्तम पंडित रामकृष्ण जी, आपने क्या तर्क दिया है। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। सब अपना स्थान ग्रहण करें। और चीनू, तुम्हें प्रजा और राज दरबार के साथ छल करने और दूध में मिलावट करने के अपराध में काल कोठरी में बंद किया जाता है, और इस बकरी को राजमहल की गौशाला में फली भांति रख दिया जाए, और जिन जिन व्यक्तियों को पानी मिश्रित दूध मिला था उन्हें शुद्ध दूध दिलवाया जाए। महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की। आज तो ज्ञात करके रहूंगा ये क्या काला मध्य रात्रि किससे मिलने जाता है। देवी जी, क्या हुआ? आप कौन हैं? देवी जी, कल्लन, इस युवती का थैला उठाओ। प्रसादन, इस युवती को संग ले चलो। हम इसे मुक्त करने हेतु इसके परिवारजनों से धन की मांग करेंगे। ए, रुको, क्यों इस असहाय कन्या के पीछे पड़े हो? मेरे रहते तुम इसे अपने संग नहीं ले जा सकते, समझे क्या? भास्कर, तू इन लुटेरों से अकेला नहीं भिड़ सकता, किंतु इस कन्या की रक्षा भी तो करनी होगी ना, किंतु कैसे? तेरी कल्लन भैया, प्रसादन भैया, शीघ्र अति शीघ्र इस कन्या को अपने संग ले जाओ। किंतु अभी तो तुम कह रहे थे तुम इसे हमें साथ नहीं ले जाने दोगे। तक ज्ञात नहीं था ना? क्या पता नहीं था, यही कि हम बहुत खूंखार हैं। तो आप हो, किंतु ये खूंखार से भी खूंखार पिता की पुत्री है, जो लोगों को ऐसे मारता है जैसे मनुष्य ना हो, मच्छर हो मच्छर। कौन पिता? अरे इसका पिता मुतप्पा जल्लाद, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा। नहीं नहीं, हमने नहीं सुना है। अच्छा है नहीं सुना, और उससे भी अच्छा है कि उससे भेंट नहीं हुई अभी तक। उसी की पुत्री है, इसे एक युवक से प्रेम हो गया था जिसके संगे भाग गई थी, और जिस जिस युवक पर मुतप्पा जल्लाद को संदेह होता है ना, उस युवक को वो मृत्यु के घाट उतार देता है। इसे शीघ्र अपने संग ले जाओ, नहीं इसके साथ मुझे देख लिया ना तो मेरे प्राण भी ले लेगा वो। ले जाओ ले जाओ। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये मुतप्पा जल्लाद की पुत्री है? इधर आओ, इधर आओ। ये चिन्ह देख रहे हो, ये मुतप्पा जल्लाद के कुल का चिन्ह है, उसके कुल के सभी लोगों के तन पर होता है ये चिन्ह,
अरे मुत्तप्पा जल्लाद राक्षस है, राक्षस ना बाबा ना बाबा ना। कल्लन भैया, प्रसादन भैया, इसे अपने साथ ले जाओ। अरे अरे, हम इसको लेके नहीं जा रहे हैं, यहीं छोड़ के जा रहे हैं। किंतु इसकी ये स्थिति तो तुम लोगों के कारण ही हुई है, और इस विषय में यदि उसे ज्ञात हो गया तो तुम्हारे प्राण तो वो लेगा ही। नहीं नहीं, तुम उसको कुछ मत बोलना। परंतु वो देखिए क्या है ना, यदि कुछ धन मिल जाता तो मैं इसी समय इस स्थान को त्याग कर दूर चला जाता। फिर ना तो उस मुत्तप्पा जल्लाद से मेरी भेंट होगी, ना ही वो मुझसे कुछ पूछेगा। क्यों? ये लो, यहाँ से दूर चले जाओ। हाँ, अब आप लोग निश्चिंत रहिए। अब ना ही मैं आप लोगों को जानता हूँ और ना ही आप लोगों से मेरी भेंट हुई है। अब शीघ्र भाग लो यहाँ से, चला जाओ उससे पहले कि वो आ जाए। भाग जाओ, दूर जाना कहीं दूर। हाँ लो, अच्छा है, धन मिल गया, इसके उपचार हेतु कार्य में आएगा। शारीरिक घाव तो नहीं है, भय के कारण मूर्छित हो गई है और शीघ्र ही होश में आ जाएगी। जैसे ही होश में आए हल्दी वाला दूध पिला दीजिएगा, और ज्वर आए तो ये जड़ी बूटी दे दीजिएगा। धन्यवाद वैद्य जी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कौन है ये कन्या, कहां से आई है? शारदा मां, इन सभी प्रश्नों के उत्तर तभी मिलेंगे जब इसकी मूर्छा टूटेगी। हाँ, प्रणाम। 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 अरे बस बस, और प्रणाम क्या, तो इस बार मैं मूर्छित हो जाऊंगा। कैसी हो तुम? सुंदर हो। वो तो हो तुम, किंतु मेरा तात्पर्य है कि कहां से हो तुम? अपने ग्राम से। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा स्वास्थ्य अब ठीक तो है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कई दिवस के उपरांत इतनी अच्छी गहरी निद्रा आई है। सुनो जी, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या पता। माताजी का? क्या पता। तो वो दोनों हैं कहाँ? क्या पता। मेरा ना इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं तो विजयनगर रोजगार की खोज में आई थी, सोचा था यहाँ आऊंगी तो रोजगार मिल जाएगा। पर पता है वो ना, मैं जब आई तो रास्ते में जंगल में मेरे पीछे बहुत सारे डाकू पड़ गए, और उनको मेरा थैला इतना अच्छा लगा कि वो लेने के लिए मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। पर मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर मेरा थैला चाहिए तो मेरे पीछे दौड़ना होगा, अगर पकड़ी गई तो थैला आपका। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भागने लगी और वो मेरे पीछे भागने लगे, मैं आगे भागने लगी, वो मेरे पीछे, मैं आगे भागने लगी, और फिर मैं मूर्छित हो गई। पर मेरा थैला। अरे रो मत, तुम्हारा थैला यही है, ये लो अपना थैला। हाँ, देखो, और तुम इधर आओ। शारदा माँ, प्रतीत होता है इस कन्या के मस्तिष्क में कुछ कमी है। किंतु ऐसी कमी वाले लोग ही बहुत काम के होते हैं। खुद को देख, इतना समझदार है किंतु मेरे किस काम का? अरे अरे, तो अच्छा, तुम्हारा विजयनगर में कोई परिचित है? नहीं माँ जी, मैं तो ये आशा के साथ आई थी कि यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए। तो समझो तुम्हारी ये आशा पूर्ण हुई। सच माँ जी, आपसे इस घर का संपूर्ण कार्य तुम करोगे। रहने को स्थान मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब मिलेगा, किंतु वेतन नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं ना आपके पूरे घर का सारा काम कर लूंगी, और मुझे तो वेतन भी नहीं चाहिए। तुम जैसे हो
सदैव वैसे ही रहना। जो आज्ञा माँ जी। अब एक काम करो, आज ना तुम विश्राम करो कार्यकाल से। ठीक है माँ जी। और जाकर सूचना दे दो कि योजना के अनुसार मैं पंडित रामाकृष्ण के घर में प्रवेश भी कर चुकी हूं और अपनी जड़ें जमा भी चुकी हूं। योजना का पहला चरण सफल हुआ। अब वो दिन भी दूर नहीं जब पंडित रामाकृष्ण मेरे बस में होंगे और फिर प्रारंभ होगा असली खेल। देखो ये सारे उपहार मुझे महल से मिले हैं। ये कंगन तो देखो देखो, और ये हार, ये भी, और ये झुमके सच में बहुत सुंदर हैं। उठा लो अरे ये क्या कर रही हो? अरे माँ जी वो ही तो कर रही हूँ जो आपने मुझे करने को बोला था। कंकर से चावल चुन रही हूँ। चावल से कंकर चुनने कहे थे, कंकर से चावल नहीं। और जरा काम पे ध्यान दो, इधर उधर नजर मत रखो। शारदा अम्मा एक बात कहो, ये आपकी नई सेविका अत्यंत चतुर लग रही है। भास्कर भी ना जाने ना पूछे किसी को भी ले आया। इतने बहुमूल्य गहने हैं आपके आवास में, चोरी हो गए तो? ऐसे कैसे चोरी हो जाएंगे? आठों पहर मेरी दृष्टि मेरे गहनों पर होती है। एक बार एक सेविका ने मेरे गहने चुराने का प्रयत्न किया था। दरबार से ऐसा दंड दिलवाया कि अब तक कारागार में बंद है। अरे पर माँ जी आपके गहनों की आप चिंता छोड़ दीजिए, आपके नकली गहने कोई भी नहीं चुराएगा। नकली? नकली? अरे क्या कहा तुमने, नकली गहने? तुम्हें क्या पहचान गहनों की? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे पहले किसी सुना क्या काम करती थी। अरे माँ जी आपको किसे ज्ञात हुआ, मैंने एक वर्ष तक सुनार किया ही काम किया है। मैं तो गहने देखती चेक में बता सकती हूँ कि गहने असली हैं या नकली। हाँ नकली गहने दिखा रही हो। पीतल का हार, पीतल के झुमके, पीतल का कंगन। अरे चलो चलो, कहाँ समय व्यर्थ कर दिया। यदि पंडित रामाकृष्ण जी को भेंट में मिला स्वर्ण नकली है तो कहीं इच्छा पूर्ति में दिया हुआ स्वर्ण भी तो नकली नहीं। आप सब चिंतित ना हो, पंडित रामाकृष्ण की बहुत पहुंच है महल में, वो महाराज से कह के हम सब के गहने बदलवा देंगे। शारदा ये क्या कह रही हो, कौन से गहने महाराज से बदलवाने हैं? ये हम सबके गहने जो महाराज ने दान में दिए थे, और ये मेरे गहने जो आप ले आए थे। ये देखो सोने चांदी हीरे जवाहरात और मिष्ठान मिले उपहार में। पंडित रामाकृष्णा जी ये देखिए, महाराज ने जो गहने दान में दिए थे वो गहने नकली हैं। हाँ ये सब पीतल के हैं। हाँ पीतल के हैं। हाँ ये मेरे गहने भी पीतल के हैं। देखो पंडित रामाकृष्ण जी, हम लोग सुनार के पास गए थे और उसने स्वयं जांच करके बताया कि ये गहने नकली है। ये सब नकली है, इसमें कुछ भी असली नहीं है।
जिन्हें असली बताकर हमने दरबार में दिखाया था सब नकली था। हमारा तो दुगना लाभ हो गया, असली संपदा भी वापस मिल गई और पुर्तगाली का धन भी हाथ में आ गया। महाराज किसी को नकली गहने नहीं दे सकते, किंतु इतने सारे लोगों को दान में जो गहने दिए गए हैं वो तो राजकोष से ही दिए गए हैं, अर्थात राजकोष में असली सोने के नहीं अपितु नकली गहने हैं। इस विषय में मुझे पता करना होगा, किंतु बहुत सावधानी से, कहीं प्रजा के हृदय से महाराज के प्रति विश्वास उठाकर स्वयं राजा बनने की चाल तो नहीं चली है कैकाला ने। किंतु मैं किसी भी स्थिति में कैकाला को राजा बनने नहीं दूंगा। आप सब एक कार्य कीजिए, कुछ समय पश्चात ये सारे नकली गहने लेकर राज दरबार में आ जाइए। पर हम महाराज से ये कैसे कहेंगे कि उनके दिए गहने नकली हैं? महाराज तो मृत्युदंड दे देंगे। चलो बहनों भाइयों, हमारे गहनों से अधिक मूल्यवान हमारे प्राण हैं। चलो। अरे सुनिए तो सुनिए, आप सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। बस यूं समझ लीजिए कि आज यदि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो विजयनगर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाएगा, और यदि मेरा साथ दिया तो विजयनगर के साथ होने वाले विश्वासघात से स्वयं को बचाया जा सकता है। महाराज, राजगुरु ने 500 स्वर्ण मुद्राएं ली हैं। हली तो है 500 स्वर्ण मुद्राएं ली, ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि 450 स्वर्ण मुद्राएं बचाई हैं, ये भी तो बताई। देखिए महाराज, भगवान शिव ने तो कहा था कि यज्ञ के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेगी, लेकिन हमने उन्हें बहला लिया, भिजवा लिया और 500 स्वर्ण मुद्राओं में काम चला लिया। प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी, अच्छा हुआ आप शीघ्र आ गए, आज राजकोष के हिसाब का दिवस है। आप चिंतित ना हो महाराज, आज सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब होगा, हमारी ओर देख के इसने ऐसा क्यों कहा? महाराज की जय हो। ए शारदा, तुम यहाँ, और आप सबके हाथों में ये गहने कैसे? महाराज की दी ये भेंट उन्हें लौटाने आए हैं हम। लो लो लो। ये अब क्या कर रही है? महाराज की दी हुई भेंट हो या दान, महाराज को वापस लौटाने का क्या अर्थ है? ये तो महाराज का अपमान हुआ। तो और क्या करूं महारानी, महाराज की दी ये भेंट, ये गहने सब नकली है, मिलावटी है। क्या? महाराज की दी ये भेंट, ये गहने सब नकली है, मिलावटी है। क्या कहा? मिलावट? अरे महाराज, मिलावट कैसे कर सकते हैं? ये उनकी मिलावट के विरुद्ध है, उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। कहाँ है, कहाँ है? हाँ, क्षमा करना भाई, कह दो कि तुमने जो कुछ भी कहा सब झूठ है, कह दो। झूठ है? अब तलवार दिखा के पूछोगे तो यही बोलूंगी ना। अरे बताओ, सच में बताओ, ये गहने सच में नकली है? हाँ। तो ये भी संभव हो सकता है ना कि गहने तुम ही ने बदल दिए हो? क्यों? हाँ, मैंने ही बदले। क्या? तलवार दिखा के पूछोगे तो यही बोलूंगी ना। अरे पंडित रामकृष्णा जी, क्या ये सभी लोग गहने बदलेंगे और ये सब क्यों करेंगे ऐसा? किंतु महाराज, किसी को भी मिलावटी गहने नकली गहने क्यों देंगे, बोलो बताओ। ये पंडित रामकृष्णा सीधी नहीं अपितु टेढ़ी चाल चल रहा है, किंतु इसकी चाल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये मेरे राजा बनने के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा? राजा बनने का जो कलुषित स्वप्न तुम्हारे नेत्रों में पल रहा है उसे मैं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। मेरे रहते तुम कभी विजयनगर के राजा नहीं बन पाओगे। अपने नेत्रों में पल रहे स्वप्न को मैं पूर्ण करके ही रहूंगा, विजयनगर का राजा बन के रहूंगा, वो भी 10 दिवस के भीतर। 10 दिवस तो क्या, 10 जन्म में भी मैं तुम्हें विजयनगर का महाराज नहीं बनने दूंगा।
राजकोष से वितरण किया हुआ स्वर्ण नकली नहीं हो सकता, इसलिए हम आदेश देते हैं कि विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णकार को बुलाया जाए और इस स्वर्ण की जांच करवाई जाए। मणिचार्य जी, किसी ने सही कहा है, गोभी का कभी हलवा नहीं होता और लोभी का कभी भला नहीं होता। सत्य कहा। इच्छा पूर्ति समारोह में हमारे नाम पर स्वर्ण मुद्राएं जो ऐठी गई थी, गुरुजी ने ऐठी थी ना, हैं? कपटी तथा आचार्य जी ने। अवश्य धनी, वो सारी स्वर्ण मुद्राएं नकली होंगी, नकली, देखना। मैं भी तेरी बात से सहमत हूँ मणि। मणिचार्य जी, भगवान इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है, और गुरु जी आपके साथ इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो सकती है? ऐसा तो उस मनुष्य के साथ होता है जो अधिक पाप करता है, लेकिन गुरु जी आप तो पुण्य के देवता हैं गुरु जी। अरे चुप रहो मूर्खो, बात बताओ, बात क्या है? जो हमारे नाम पे आपने स्वर्ण मुद्राएं ऐठी थी ना, वो सारी स्वर्ण मुद्राएं अवश्य नकली होंगी गुरु जी, नकली है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अम्मा, तू अनर्थ हो जाएगा। अरे अरे फटो, चूक हुई है, अवश्य ही कोई चूक हुई है, किंतु मामले को आगे बढ़ाने से क्या लाभ? महाराज पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। वैसे तो सोना असली ही निकलेगा, किंतु यदि किसी कारण नकली निकला भी तो हम वचन देते हैं कि आप सबको हम दुगुना सोना दिलवाएंगे। दुगुना स्वर्ण? तब तो मेरे पास कितने स्वर्ण के गहने हो जाएंगे? दुगुना अवश्य मिलेगा, किंतु स्वर्ण नहीं, दंड। महाराज पर दोष लगाने के पश्चात अब लोभ में आकर वो दोष वापस ले रहे हैं आप सब। किंतु महामात्या जी कह रहे हैं ना कि वो हम सभी को दोगुना स्वर्ण दे देंगे। बात आप सबकी नहीं है, बात विजयनगर की और विजयनगर के भविष्य की है। महाराज यदि इस मामले की जड़ तक जाएंगे तो वो चोर अवश्य ही पकड़ा जाएगा जिसने राज्य की धरोहर में मिलावट की है। किंतु यदि आप सबका स्वर्ण असली निकला तो पूरा विजयनगर देखेगा कि दंड कितना भयावह होता है। आप सब प्रस्थान कीजिए, स्वर्णकार आएगा तो निर्णय हो जाएगा कि स्वर्ण असली है या नकली। चलिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों महाराज और विजयनगर के सम्मान को यूं उछाल रहे हो? नाना मामात्य, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल शारदा से पीछा छुड़ा रहा हूँ। उसने महाराज पर दोष लगाया है। अब यदि स्वर्ण असली निकलते हैं तो महाराज पर झूठा दोष लगाने और बाकी लोगों को भड़काने के आरोप में उसे दंड मिलेगा और उसे कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। किंतु वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ण असली ही होंगे। किंतु मान लेते हैं कि यदि स्वर्ण नकली है तो आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यदि स्वर्ण नकली निकले तो दंड किसे मिलेगा? आपको? नहीं, कोषाध्यक्ष को। और यदि इस कृत्य में कोषाध्यक्ष के साथ कोई सम्मिलित है तो उसे दंड मिलेगा। फिर भी आप चिंतित हैं, क्यों महामात्य? आपकी चिंता का कारण क्या है महामात्य? अरे आप तो विजयनगर के हितैषी हैं, महाराज के मित्र हैं, तो आप तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे राज्य की धरोहर में मिलावट आपने की हो। अग्नि से खेल रहे हो तुम, अग्नि से खेल रहे हो, झुलस जाओगे। जो प्रपंच तुम कर रहे हो और ना कह के भी जो बात कह रहे हो वो सब समझ रहे हैं हम, लेकिन तुम भी समझ लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। समझे कि नहीं समझे? अरे आप क्रोधित मत होइए, क्रोध करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अरे स्वर्णकार आ गए, देखिए।
पसीना पूछ लीजिए महामात, गर्मी बहुत बढ़ गई है। स्वर्णकार 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 स्वर्णकार, ये इनकी भी जांच कीजिए। अरे गुरुवर, आपके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई? महाराज ने तो धनी मनी को स्वर्ण मुद्राएं दी थी। हाँ, वो स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने ही हमें दी थी। कहने लगे कहीं कोई चोर कोई लुटेरा इन्हें लूट ना ले, तो गुरु जी ये आप रख लीजिए, आपके पास सुरक्षित रहेंगी, तो हमने सुरक्षित रख लिया, है ना? नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, क्यों गुरु जी बड़े दरबार में असत्य क्यों बोल रहे हो? महाराज मैंने तो अपनी स्वर्ण मुद्राएं गुरु जी के पास नहीं रखवाई थी। हाँ, गुरु जी आप हमें फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ महाराज, गुरु जी को हमने अपनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी थी। अरे मूर्ख हो तुम दोनों, हम मूर्ख थोड़े ना हैं, हम तो समझदार हैं और कर्तव्य परायण भी। जी हाँ महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों की अपने शिष्यों की जमा पूंजी की रक्षा करें, तो बस हम इन स्वर्ण मुद्राओं की रक्षा कर रहे थे। हाँ तो स्वर्णकार इनकी भी जांच करो। और याद रहे शारदा देवी, यदि इस स्वर्ण में खोट नहीं निकला ना तो अच्छा नहीं होगा, क्यों महाराज? महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मैंने हर कसौटी पर इस स्वर्ण को परख के इसकी जांच करके देखा है, किंतु यह संपूर्ण स्वर्ण नकली है। क्या ये नहीं हो सकता है, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे हम तो लूट गए, अरे बर्बाद हो गए। हमारा कहने का अर्थ है कि हमारे बच्चे हमारे शिष्य अनर्थ हो गया इनके साथ। तथाचार्य जी शांत हो जाइए, ऐसा कैसे हो सकता है? दान दिया गया स्वर्ण नकली कैसे हो सकता है? महाराज इसका तो एक ही अर्थ है कि इस घटना के तार राजकोष से जुड़े हुए हैं। महाराज राजकोष से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति राज्य का विश्वास पात्र है। पंडित रामकृष्ण नाहक ही उन विश्वास पात्र व्यक्तियों पर उंगली उठा रहे हैं। विश्वास पात्र ही विश्वासघात भी करते हैं महामात्य। महाराज मेरा आपसे आग्रह है कि राजकोष की संपूर्ण संपदा की जांच करवाई जाए, स्वर्ण चांदी हीरे मोती जवाहरात सबकी जांच करवाई जाए, क्योंकि जो स्वर्ण आपने दान में दिया था वो राजकोष से ही निकाली गई थी। आप उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा जी, हम आदेश देते हैं कि तत्काल राजकोष की जांच करवाई जाए। ली गई। चारुलता कहाँ गई? चारुलता, चारुलता, चारुलता!
ये ध्वनि कैसी? ये तो रामा के कक्ष से आ रही है। चारुलता होगी, किंतु वो रामा के कक्ष में क्या कर रही है? स्वर्ण का विभाजन हो चुका है, एक ओर असली स्वर्ण है, एक ओर नकली। हाँ, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि असली और नकली स्वर्ण का पता चल गया। पंडित रामकृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मां माता जी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। असली और नकली स्वर्ण का पता चल गया। देखा मां माते जी, विजयनगर की प्रतिष्ठा बच गई, मात्र इतना सा ही स्वर्ण नकली निकला। देखिए। क्षमा महाराज, किंतु आपका आंकलन सही नहीं है। मात्र इतना सा ही स्वर्ण असली है, बाकी सब नकली है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे संभव हो गया? महाराज, जो सत्य है वही कह रहा हूँ। महाराज, अब क्या होगा? विजयनगर की प्रजा में आक्रोश फैल जाएगा कि उन्हें ठगा गया है, लूटा गया है, छला गया है, वो भी महाराज के हाथों। शांत तथाचार्य, शांत। ये समय ये देखने का नहीं है कि क्या हुआ और क्या होगा, अभी तो ये देखने का है कि घृणित कार्य किसने किया है। महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि जिस किसी ने भी ये कार्य किया है, हम एक दिवस के भीतर उसे पकड़ के आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे। उपस्थित करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं मामात्य? यहाँ राजकोष की चोरी नहीं हुई है कि आप उस चोर को पकड़कर महाराज के समक्ष उपस्थित करेंगे? यहाँ राजकोष का लगभग संपूर्ण स्वर्ण असली से नकली में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये कार्य पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, और महाराज, इस कार्य में एक मनुष्य का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि कोषाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के बिना ये कार्य संभव ही नहीं है। महाराज, इस कार्य में और कौन कौन सम्मिलित है ये बात का विषय है, किंतु अभी तत्काल कोषाध्यक्ष महोदय को बंदी बनाया जाना चाहिए, ताकि सत्य उजागर हो सके और दोषियों को दंड मिल सके। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो यहीं से आई थी। चारुलता, इसे संदेह नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पंडित रामकृष्ण जी का कथन बिल्कुल सत्य है, कोषाध्यक्ष को बंदी बना लिया जाए और उसे तब तक कोड़े मारे जाएं जब तक ये सत्य उगल नहीं देता। महाराज, ये कार्य हम करेंगे। हमें इतना क्रोध आ रहा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। इस दुष्ट के कारण स्वर्ण के स्थान पे हमें पीतल प्राप्त हुआ। कोड़ा लेके आओ। महाराज, इतना बड़ा दुस्साहसी मात्र कोड़े खाकर अपना मुख नहीं खोलेगा। इसका मुख हम खुलवाएंगे, इसे खोलते हुए जल में डालेंगे, तब ये सत्य उगलेगा। ये तो इसे लेकर जा रहा है, अवश्य स्वयं को ये इस मामले से साफ बचा लेगा, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तरकारी ले लो, तरकारी, तरकारी ले लो, तरकारी,
तरकारी ले लो तरकारी। चारुलता, चारुलता कहाँ थी? कब से ढूंढ रही थी? अरे माँ जी, आपने तो कहा था कि समय निकाल कर सब्जी ले आना, इसलिए सब्जी लाने गई थी। किंतु ये एक एक सब्जी क्यों लेकर आई है? माँ जी, आपने कहा था सब्जी ले आ, किंतु आपने ये तो कहा ही नहीं था कितनी लानी है, इसलिए आपने जो जो भी सब्जी बोली थी मैं सारी एक एक उठा लाई। हेलो हेलो जी, जब ईश्वर बुद्धि बांट रहे थे तो कहाँ थी तू? मुझे क्या पता, और तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ बुद्धि कब बांट रहे थे। पुनः कब बांटेंगे? पुनः जब बांटेंगे तो मैं तुझे सूचित कर दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी माँ जी माँ जी, ये तो बताइए कि वहाँ राज दरबार में क्या हुआ? क्या मेरी कही हुई बात सच सिद्ध हुई कि स्वर्ण नकली था? अरे हाँ, हुआ ये। महाराज, ये संपूर्ण स्वर्ण नकली है। समझ ही नहीं आ रहा ये आखिर ये रामा करना क्या चाह रहे। माँ जी, पंडित रामाकृष्ण वो ही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वो एक ऐसे खिलाड़ी को मात देने जा रहे हैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। उसे क्या पता कि पंडित रामाकृष्ण ने ऐसा खेल खेला है कि खेल और खिलाड़ी दोनों का अंत। चलो हमारे साथ चलो। रुकिए महामात्य, यह क्या कर रहे हैं आप? इस राज्य के महामात्य हैं, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। महाराज, आज तक इस राज्य के सारे मामले मैं ही सुलझाता आया हूँ, इसलिए इस मामले को सुलझाने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। और क्योंकि ये मामला दरबार में शारदा लेकर आई थी, तो ये राजकीय मामला होने के साथ साथ मेरा निजी मामला भी है। महाराज, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये विजयनगर की प्रतिष्ठा और मान सम्मान का मामला है, इसलिए इसे हमारे सुपुर्द किया जाए। आप दोनों रहने दीजिए, हम धर्म के ज्ञाता हैं, किंतु हमें ये भी ज्ञात है कि ऐसे अधर्मी लोगों के मुख से सत्य कैसे उगलवाना है। उचित है, तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों इस कार्य को आपस में विभाजित कर लेते हैं। महामात्य, आप विजयनगर राज्य से किसी का भी आवागमन पूर्णतया बंद करवा दीजिए, ताकि असली स्वर्ण विजयनगर राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा पाए। हाँ। तब तक मैं नीति से और गुरुवर धर्म से इस कोषाध्यक्ष से सत्य निकलवाने का प्रयास करेंगे, और यदि हम दोनों इस प्रयास में सफल रहे तो महामात्य आप अपनी पद्धति से सत्य निकलवा लीजिएगा। क्यों? पंडित रामकृष्ण जी का कथन बिल्कुल सत्य है, ये दोनों बुद्धिमान ज्ञानी हैं, ये दोषियों का पता लगा सकते हैं। अब तक आप सीमा की रक्षा कीजिए। महाराज, आप चिंतित ना हो, अब ये कार्य हमने संभाल लिया है, तो आप समझ लीजिए कि दोषियों का पता चल गया। जी महाराज, अब दोषी चाहे सात आवरण के पीछे ही क्यों ना छुपा हो, वो बच नहीं पाएगा। कोषाध्यक्ष ने यदि सत्य बोल दिया तो क्या होगा? पंडित रामकृष्ण अत्यधिक चतुर हैं, अपनी चतुराई से वो उस कोषाध्यक्ष का मुंह खुलवा ही लेगा। अवश्य कोषाध्यक्ष ने हमारा नाम ले लिया होगा, अवश्य ये हमें बंदी बनाने आए हैं। हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, कोई बंदी नहीं बना सकता। महामात्य जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग आपको बंदी क्यों बनाएंगे? हम लोगों को तो आपने खुद ही बुलाया है। हाँ महामात्य जी, सीमा पर चौकसी बढ़ाने की योजना आप हम लोगों से साझा करने वाले हैं ना? हाँ,
हाँ 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 हम ही ने तो बुलाया, किंतु अभी आप लोग जाएं, कुछ समय पश्चात आए, अभी हमने योजना पूर्ण तरीके से बनाई नहीं है। हम, आपने ही तो हमें बुलाया था, आप भूल गए क्या? हाँ हाँ, हमी ने तो बुलाया। पंडित रामकृष्ण ने पूरी बिसात ही बदल दी। पंडित रामकृष्ण ने ऐसा खेल खेला है कि वो दिन दूर नहीं जब हम तुम दोनों राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड प्राप्त करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सत्य है, यदि पंडित रामकृष्ण ने कोषाध्यक्ष का मुंह खुलवा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो बस एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग? कोषाध्यक्ष की मृत्यु ही हम दोनों का जीवन है, मार डालो से। मृत्यु तो अवश्य ही होगी, किंतु कोषाध्यक्ष की नहीं अपितु तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु ही मेरा जीवन है। क्या विचार कर रही है? नहीं, वो महामात्य, हम ये विचार कर रहे थे कि उस कोषाध्यक्ष को मृत्यु के घाट कैसे उतारे। किंतु आप चिंतित ना हो, हमारे मस्तिष्क में एक योजना आ चुकी है। अब कोषाध्यक्ष की मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने तो बुलवाया था। हाँ, अमीन ने तो बुलवाया था। आमाते, आपने जो कहा था उसका प्रबंध हो गया। इतना साहस कि तुमने राजकोष का पूरा स्वर्ण बदल दिया? मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शांत रहना और कोई प्रश्न मत पूछना। मुझे महामाता ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। महामाता, सावधान, अति विषैला सर्प है। जितना विष हमारे भीतर है उसका आधा भी इसके भीतर नहीं होगा। तू यदि विषधर है तो हम विष के सागर हैं। हम यदि तुझे समय काट लें तो तू इसी समय तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। किंतु विडंबना तो देखो, हम तुझे तो काट सकते हैं किंतु महाराज को नहीं। इसलिए मेरे प्रिय साथी, ये कार्य तुझे करना होगा। अपने भीतर समाये सारे विष को महाराज के अंदर उतार देना, ऐसा काटना उसे कि वो पानी भी ना मांग सके। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय मित्र? क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। ये बताओ कि योजना के अनुसार तुमने संपूर्ण असली स्वर्ण सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है ना? योजना? कैसी योजना और कौन सा स्वर्ण? अरे क्या कौन सा स्वर्ण? राजकोष का असली स्वर्ण और समस्त राज धरोहर, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जो तुमने नकली बनवाए थे। अवश्य आपसे कोई भूल हुई है,
मुझे स्वर्ण के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। देखो भूल तो तुम कर रहे हो जो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मुझे महामात्य ने ही भेजा है और मैंने जानबूझकर महाराज से कहा था कि मैं तुमसे सत्य उगलवाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि यही महामात्य की चाल है, अन्यथा वो मान कैसे गए? किंतु मैं ये बात कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? देखो तुम मानो या ना मानो, किंतु एक बात समझ लो कि इस खेल में केवल दो खिलाड़ी नहीं है, तीसरा खिलाड़ी भी है और वो मैं हूँ। और मैंने और महामात्य ने यह निर्णय लिया है कि आज ही तुम्हें और संपूर्ण असली स्वर्ण को विजयनगर की सीमा के बाहर भेज दिया जाए। इसलिए तुम शीघ्र अतिशीघ्र सारा असली स्वर्ण लेकर महामात्य के महल उनके कक्ष में पहुंचो। अरे इसीलिए तो मैंने महामात्य को सीमा का उत्तरदायित्व सौंपा था। तुम क्या अब भी नहीं समझ रहे? मैं नहीं मानता। अवश्य आप कोई जाल बुन रहे हो मुझे फंसाने के लिए। देखो जाल में तो तुम अभी भी फंसे हुए हो और यही एक मार्ग है जिससे तुम सकुशल विजयनगर की सीमा पार करके जा सकते हो। किंतु यदि तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो अब तुम्हें मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता, समझे? ये मत समझना कि मैं पुणे नहीं आऊंगा। जब तक तुम सत्य नहीं बता देते मैं यहां आता रहूंगा, समझे? अंततः मेरे बुने जाल में तुम फंसी गए क्या काला? अब आएगा खेल का असली आनंद, क्योंकि इस बार तुम नहीं बच पाओगे। क्या काला, अब होगा तेरा मुंह काला। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है रानी कोषाध्यक्ष के प्राण लेने में सफल हुई है या नहीं। समय कौन आया होगा? शीघ्रता से रख दीजिए। भैया ये सब क्या है? जो आपका आदेश था। हमारा आदेश? हाँ। क्या है इस संदूकों में? राजकोष का असली स्वर्ण जो हम लोगों ने बदल दिया था। लेकर यहाँ क्यों आए हो? आप ही ने तो संदेश भिजवाया था कि असली स्वर्ण को लेके मैं आपके पास आ जाऊंगा। हमने संदेश भिजवाया था? किससे? पंडित रामाकृष्णा से। वो कारागर में आए थे, कारागर से बाहर आने में उन्होंने हमारी सहायता भी की थी। आप दोनों की योजना उन्होंने मुझे भली भांति रूप से समझा दी है। क्या? एक एक शब्द हमें ठीक से बताओ। पंडित रामाकृष्णा ने क्या कहा था? भी विचार कर लीजिए महाराज, पंडित रामकृष्ण ने महामात्य पर आरोप लगाया है। यदि आरोप झूठा हुआ ना तो महामात्य के क्रोध की अग्नि में आप जलकर भस्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। महाराज आप मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास कीजिए। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से कोषाध्यक्ष को स्वर्ण से भरे संदूक लेकर महामात्य के महल में जाते हुए देखा है। छोड़िए पंडित रामकृष्ण, कभी कभी नेत्रों का देखा भी धोखा हो जाता है। महाराज हमारी बात सुनिए, चलिए वापस चलते हैं। नहीं महाराज, हम सत्य के इतने निकट आ गए, वापसी का नहीं विश्वास करने का समय। कृपया मेरे साथ आगे चलिए महाराज। ठीक कह रहे हैं, चलिए। बहुत बड़ा खेल खेला है पंडित रामकृष्णा ने, बहुत बड़ा खेल खेला है। तुम यहां से जाओ तुरंत। पंडित रामकृष्णा तो महाराज को लेकर यहां गया है। सब चक्रव्यूह रचा है इसने, क्यों फंस के रह गए? और क्या करें?
क्या काला, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब ये घड़ा आज फुटकर रहेगा और तू नहीं बचेगा। के पंडित रामकृष्ण महाराज, महामात्य द्वार नहीं खोल रहे। स्पष्ट है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये भी कोई बात है, रात्रि के इस पहर में ये भी तो संभव है कि वो निद्रा में लीन हो। इतनी गहरी निद्रा, कितनी बार द्वार खटखटाने पर भी निद्रा ना टूटे। तो महाराज अब तथाचार्य जी, सैनिकों तोड़ दो द्वार। जी महाराज। जैसा कहा है वैसा ही करना, अन्यथा प्राण दे देंगे। ठीक से पढ़ो। अरे महाराज, अरे महामाता जी, ये महाराज, महाराज आप सही समय पर आ गए। ये देखिए कोषाध्यक्ष हमारे प्राण देने की चेष्टा कर रहा है। जाने हमें कहां लेकर जाना चाहता है। आप भयभीत ना हो, मैं इससे बात करता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। देखो कोषाध्यक्ष, यदि तुमने महामात्य को हल्की सी भी खरोच भी आने दी तो ये सैनिक अभी इसी समय तुम्हारे प्राण ले लेंगे। लो वो तलवार मुझे दो। नहीं, मैंने कहा वो तलवार मुझे दो। कहीं ये पंडित रामकृष्णा की बातों में आ गया तो कहां लेकर जाना चाहते हो हमें, कहां लेकर जाना चाहते हो हमें। शिव की कृपा है, आप ठीक है। पंडित रामकृष्ण आप बोलिए, अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए देखिए देखिए, अपने प्राणों की बलि देते हुए महामात्य कोषाध्यक्ष से लड़ रहे थे और आप उनके विषय में क्या क्या कह रहे थे। मैंने जो भी कहा उचित कहा गुरुवर। महामात्य के कक्ष में कोषाध्यक्ष का होना और इन स्वर्ण का होना क्या सिद्ध करता है? आप हम पर संदेह कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। ठीक है, यदि आपको संदेह है कि हमने महाराज के विरुद्ध, विजयनगर के विरुद्ध ऐसा घृणित कार्य किया है तो आप हमारे प्राण दे लीजिए। हम भी ऐसा आक्षेप लगने के बाद जीवित नहीं रहना चाहते। ना 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 ना, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महामाते। हमने देखा, हम सब ने देखा कि ये कोषाध्यक्ष आपके आपके प्राण लेने के प्रयत्न कर रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों के मध्य स्वर्ण के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हुआ हो और उसी कारण वो आपको मारने का प्रयत्न कर रहा हो। महामाते जी, आप स्वयं ही बताइए कि ये कोषाध्यक्ष आपके कक्ष में क्या कर रहा था। महाराज, उसने हमसे आकर कहा कि हम ये सारा स्वर्ण ले लें और बदले में उसके प्राणों की रक्षा करें, किंतु हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे किंतु विजय नगर के साथ विश्वासघात कदापि नहीं करेंगे। बस महाराज, उसने हमारी तलवार हमारी गर्दन पे लगा दी। नहीं महाराज, आप इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। बस कीजिए आप पंडित रामकृष्ण जी, आप चाहते हैं कि हम आपकी बातों पर विश्वास करें और महामाते की बातों पर विश्वास ना करें। क्यों? हो सकता है कि आपने कोषाध्यक्ष को इनके कक्ष की ओर आते हुए देखा हो और आपने मस्तिष्क में अपने कहानी बुन ली हो, किंतु हमने यहां पर आकर जो देखा वो कोई कहानी नहीं बल्कि अपनी आंखों देखी है। महामाते जी, हम बहुत शर्मिंदा है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। पंडित रामकृष्ण जी,
हमारा आदेश है कि आप अभी इसी समय मामाते जी से क्षमा मांगिए। किंतु महाराज मैं, हमने कहा क्षमा मांगिए इनसे। किंतु महाराज मैंने कुछ, पंडित रामकृष्ण जी और एक शब्द नहीं सुनना चाहते आपके मुंह से, क्षमा मांगिए इनसे। चलिए चलिए, नहीं नहीं महाराज, ये क्षमा के नहीं, ये तो सम्मान के योग्य हैं। महाराज पंडित रामकृष्ण ने जो कुछ भी किया वो राज्य प्रेम और राज्य हित में किया, और हम सबको तो इनका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इन्हीं के कारण आप सब समय पर यहाँ पहुंच गए, अन्यथा हमारे प्राण भी जाते और राज्य का सारा स्वर्ण भी। उत्तम, अति उत्तम महामाते जी। पंडित रामकृष्ण जी देखिए ऐसे हैं हमारे महामाते जी। तो तेरी, इसने तो सारा खेल ही पलट दिया, स्वयं को निर्दोष भी सिद्ध कर दिया और महाराज का विश्वास भी जीत लिया। पंडित रामकृष्ण चाहे जितने तीर चला लो, हर तीर को विफल कर देंगे हम। और हाँ, 10 दिवस के भीतर अब हमें विजयनगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। क्या 3 कांसे की मुद्राएं? किंतु 2 मुद्रा प्रति शेर का भाव है। देना है तो दो, वरना जाओ यहाँ से, मैं किसी और से ले लूंगी। चारुदत्त बाहर निकलो, चारुदत्त। अरे अरे अरे, अरे। क्या बात है, आज तो बड़ी रूपवान लग रही हो। आप मेरा उपहास उड़ा रही है, ये सब चारुलता का किया धरा है। किंतु हुआ क्या? मैं उसे बता रही थी कि पहले मैं कितनी प्रसन्न हुआ करती थी, कमल की भांति मेरा मुख खिला हुआ रहता था, किंतु भास्कर की विचित्र हरकतों के कारण मेरा कमल जैसा मुख मुरझा गया। वो तो है। क्या हुआ फिर? होना क्या था, चारुलता बाहर गई और मार्ग में पड़ा हुआ कीचड़ उठाकर लेके आई और मेरे मुख पे मल दिया और कहने लगी कि अब तुम्हारा कमल जैसा मुख पुनः खिल जाएगा, क्योंकि कमल तो कीचड़ में खिलता है ना। आप हंसना बंद कीजिए और बताइए कि चारुलता है कहाँ? यहाँ तो नहीं है, और कहाँ है याद नहीं। ठीक है, मैं स्वयं ही जाकर उसे खोज के आती हूँ, और आप हंसना बंद कीजिए। अरे बहुत ही रूपवान लग रही हो। क्या करूं मैं, सब्जी दूं या प्रस्थान करूं? हो, कहां था रात भर और वो कै काला का मुंह काला हुआ या नहीं? सब्जी वाले के समक्ष क्यों पूछ रही हो, ये सुन लेगा। देखो, किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं कै काला के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित कर रहा हूँ। तो चिंतित मत हो, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। अच्छा, मैं तेरे लिए भोजन परोस दूं? भूख नहीं है मुझे। अरे रामा, मेरा शत्रु कैकाला बच गया? कैकाला बचना नहीं चाहिए, नहीं बचना चाहिए। इतना दुर्गंध युक्त इत्र क्यों क्यों मंगवाया महामाते? इस इत्र की मात्र एक बूंद अपनी हथेली पर लगाकर देखो, स्वयं समझ जाओगे। ये सर्प तुम्हारे पीछे नहीं,
अभी तो उस गंध के पीछे आ रहा था जो तुमने अपने तन पर लगाई थी, अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर पर भी ये गंध लगी होगी, ये इत्र लगा होगा कि सर्प उसके पीछे जाएगा और उसे डस लेगा। अब देखना आज दरबार में क्या होगा।